अनुदेशकों को एक सत्र के लिए 17,000 रुपये मानदेय देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर 2 दिसंबर 2022 को फैसला सुनाया था। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाने के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर 2 दिसंबर 2022 को फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने अनुदेशकों को केवल 17-2017-18 के लिए 17,000 रुपये मानदेय देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल कर इसे चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने 27,000 अनुदेशकों का मानदेय 2017 में बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया था, किंतु यूपी सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनुदेशकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुदेशकों को 17-18 में 17,000 रुपये मानदेय 9% ब्याज के साथ देना है। आगे के बारे में सरकार को निर्णय लेने की छूट दी थी। याची अनुराग, विवेक सिंह, आशुतोष शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल कर रखी थी, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल एसएलपी की जानकारी मिली।